तमिलनाडु के तिरुवन्नामलम में 5 बच्चे भी शामिल, राहत कर्मियों ने अब तक 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, लैंडस्लाइड के दौरान भारी चट्टान की चपेट में आने से कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, 2 घर बुरी तरह से तबाह, कई लोग मलबे में फंसे। तमिलनाडु सरकार ने लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। एनडीआरएफ के स्थानीय प्रशासन के साथ इसकी टीम जुटी हुई है। तमिलनाडु के विलुपुरम में चक्रवात फेंगल की वजह से बारिश के बाद अब भी कई इलाके जल भराव की वजह से घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। कर्नाटक के कोलार और उडुपी में फेंगल तूफान का रहेगा इफेक्ट, भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल कॉलेज बंद। पुडुचेरी में चक्रवात तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश, प्रशासन ने आज सभी निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी की घोषणा की है। केरल के वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट, चुरमला में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के रास्ते की सारी बाधाएं दूर, बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कहा एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हैं। गिरीश महाजन ने थाने में एकनाथ शिंदे के साथ करीब 1.25 घंटे की मुलाकात के बाद कहा कि शिंदे का दिल बड़ा है, वो छोटी मोटी बातों से नाराज नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए राजी हैं। शिवसेना को डिप्टी सीएम पद और शहरी विकास मंत्रालय देगी बीजेपी। गिरीश महाजन के मुताबिक महायुति के तीनों दलों के नेता आज 10 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लेंगे और अपनी एकजुटता भी दिखाएंगे। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज दोपहर 2 बजे सरकारी आवास वर्षा आएंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्माण दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम के नाम का ऐलान होगा। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमन केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त। ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा कि सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, उसके बाद नाम तय होगा। पीएम मोदी का आज चंडीगढ़ दौरा, आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग, सदन में विपक्ष ने हंगामा न करने का दिया भरोसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सबने देखा है कि विपक्ष संसद में वेल एरिया के पास नहीं जा रहा है। विपक्ष ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करना चाह रहा है जिससे कि सत्र स्थगित करना पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे बुलाई है इंडिया गठबंधन की बैठक, संसद में विपक्ष की रणनीति पर तैयार की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर होगी बहस, 13 और 14 दिसंबर को चर्चा होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल और उनकी कैबिनेट के 16 पूर्व मंत्रियों को सुनाई सजा, आज से लंगर खाने में बर्तन साफ करने और साफ सफाई की सेवा देनी होगी। सुखबीर बादल और उनके मंत्री गले में तख्ती लटकाकर आज सुबह स्वर्ण मंदिर पहुंचे। पैर में फ्रैक्चर की वजह से सुखबीर बादल को सेवादार की ड्रेस पहनकर दरबान की ड्यूटी देनी होगी। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का बयान, कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। जम्मू कश्मीर के हरवान में एक आतंकवादी मारा गया, दाजीगाम के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों में 5 किलो आईडी बरामद कर नष्ट करने की बात। उधमपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन है, चखौनी नाके पर पकड़े गए ट्रक से 210 किलो अफीम बरामद की। लखनऊ के जानकीपुरम में विस्तार इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर के जरिए इन्हें ध्वस्त किया गया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, पोर्नोग्राफी केस में ईडी से पूछताछ के लिए समन भेजा गया, 4 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों को परेशानी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा AQI 293 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के ITO इलाके में भी बड़ा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत। आगरा में मध्यम श्रेणी में वायु गुणवत्ता, ताजमहल पर छाई धुंध की हल्की परत। मुंबई के कई हिस्सों में भी छाई धुंध, ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में धुंधली दिखी ऊंची ऊंची इमारतें। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट और बड़ी ठंड। तमिलनाडु के नागापट्टनम में नागौर दरगाह कुंदरी उत्सव भव्य ध्वजारोहण के साथ शुरू, शानदार झांकी निकाली गई। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, चिटागोंग की मेट्रोपॉलिटन अदालत सुनवाई करेगी। चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील रामेन राय पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, ICU में भर्ती। इजराइल रक्षा बलों ने ट्वीट करके हिजबुल्ला पर लगाया आरोप, लिखा कि इसराइल और लेबनान के बीच 27 नवंबर को हुए युद्ध विराम के समझौते का हुआ उल्लंघन। दक्षिणी लेबनान के बरगोज के क्षेत्र में हिजबुल्ला ने लॉन्चर से किए हमले, नागरिकों की सुरक्षा के लिए IDF देगा जवाब। Under-19 क्रिकेट एशिया कप में भारत की पहली जीत, जापान को 211 रन से हराया, कैप्टन मोहम्मद अमान ने जड़ा शतक। भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए, जवाब में जापान की टीम 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। हरभजन सिंह को एडिलेड में भारत की जीत की उम्मीद, कहा कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतकर लगाएगी हैट्रिक। 22 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगी PV सिंधु, वेंकट दत्ता साई संग रचाएंगे शादी, उदयपुर में 7 फेरे लेंगी। प्रज्ञानंद वैशाली समेत 5 भारतीय
फीडे की प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। 26 से 31 दिसंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित की जाएगी।